नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो जेराडोल सीआर टैबलेट का रिव्यू। जेराडोल सीआर टैबलेट आप सभी जानते हैं, ये बहुत पॉपुलर टैबलेट है। ये जानी मनी इपका लेबोरेटरीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये पॉपुलर है अपने गुणों के कारण। ये हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, दाँत का दर्द, बुढ़ापे में होने वाला जोड़ों का दर्द, मोच, बुखार, डेंगू का बुखार छोड़ के मांसपेशियों में दर्द, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मासिक धर्म के दौरान होने वाला पीठ दर्द, कमर दर्द, संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि के इलाज की बेहतरीन टैबलेट है। ये सबसे ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है। टैबलेट वाइट है, स्मॉल है, निगलने में आसानी है, इजी टू यूज, इजी टू हैंडल और इजी टू ट्रैवल है। ये टैबलेट बिल्कुल भी नॉसेंट नहीं है, बिटर नहीं है। दोस्तों, ये लोगो देखिए आप, इपका का ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल जेराडोल सीआर टैबलेट खरीदी है। ये बहुत सस्ती है, कॉस्ट सिर्फ 62 रुपीज फॉर 10 टैबलेट। ऐसे भी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। जानते हैं इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। ये सब्सक्रिप्शन 100% फ्री है। इसका कंटेंट है असाइक्लोफेनेक कंट्रोल रिलीज 200 मिलीग्राम। यह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक है, इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है। ये दर्द निवारक टैबलेट है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है। मात्रा है नाश्ते के बाद सिर्फ एक गोली। दोस्तों, आप हर रोज़ एक गोली लेके दर्द से आराम पा सकते हो। साइड इफेक्ट है पेट में दर्द, कब्ज, दस्त, सीने में जलन, खट्टी डकार, पेट फूलना, मतली। दोस्तों, यह डाइक्लोफेनेक टैबलेट से बढ़िया है। इसके साथ ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन या रैबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या PPI लेने से साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दोस्तों, प्रिकॉशन में ये कहूँगा, ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ नहीं। अगर किडनी डिसीज हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। गलती से भी अल्सर हो तो इसका इस्तेमाल ना करें, अल्सर बढ़ सकता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।